11 अगस्त 2023 को रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को मून मिशन के लिए लॉन्च किया जाता है। लेकिन अचानक से 19 अगस्त को लूना 25 चांद पर लैंड करने से पहले ही बुरी तरह से क्रैश कर जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर 23 अगस्त को मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मून पर लैंड कर जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर क्यों फेल हो गया रशिया का लूना 25, और वही दूसरी तरफ ये भी सवाल आता है कि आखिर मिशन चंद्रयान 3 के जरिए अब हम कौन कौन सी नई चीजों को चांद पर डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसे फुल डिटेल के साथ समझते हैं। 6 days after the successful soft landing of India's Chandrayaan, now the world is celebrating that landing and the world is celebrating India following that successful landing of Chandrayaan 3. Congratulatory messages for India. Indian Space Research Organization has shared videos of Vikram's landing as well as the deployment of the Pragyan rover on the surface of the moon. तो दोस्तों, मून को एक्सप्लोर करने के ये जो मून मिशंस किए जा रहे वो बेसिकली साल 1915 में पहली बार किए गए थे। और अगर हम साल 1915 से लेकर अभी तक के टोटल मून मिशंस की बात करें तो वो करीबन 146 के अराउंड है, जिसमें सोवियत यूनियन द्वारा 58 मून मिशंस किए गए, यूनाइटेड स्टेट द्वारा 59 मून मिशंस किए गए, जापान द्वारा 6 मून मिशंस किए गए, चाइना द्वारा 5 मून मिशंस किए गए और वही इंडिया द्वारा अभी तक 3 मून मिशंस किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर इन मून मिशंस में मेनली 4 या 5 तरह के मून मिशन ज्यादा किए जाते हैं, जिसमें अगर हम पहले मून मिशन की बात करें तो वो होते हैं फ्लाई बाय मिशन। इस तरह के मिशन में स्पेसक्राफ्ट बेसिकली चांद के ऑर्बिट के एक साइड से होकर दूसरे साइड से निकल जाता है और इस मिशन के दौरान चांद की दूर से स्टडी की जाती है। वही अगर हम इस कैटेगरी में दूसरे मिशन की बात करें तो वो होते हैं ऑर्बिट मिशन। ऑर्बिट मिशन में स्पेसक्राफ्ट बेसिकली चांद के ऑर्बिट में होकर चक्कर लगाता है और इस दौरान वो चांद के सरफेस की स्टडी करता है। वही इस कैटेगरी में तीसरे तरह के जो मिशंस होते हैं वो इम्पैक्टर मिशंस होते हैं। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूमते रहता है और इसी बीच स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद के सरफेस से जाकर टकरा जाता है। अब ये जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है उसे बेसिकली मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। अब इस मून इम्पैक्ट प्रोब की मदद से चांद के एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाती है, यानी कि चांद पर मौजूद अलग अलग तरह के केमिकल्स और पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है। जैसे अक्टूबर 2008 को मिशन चंद्रयान जो भेजा गया था वो बेसिकली एक इम्पैक्टर मिशन था। इस मिशन के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद के सरफेस की कुछ इस तरह की पिक्चर्स ली थी। बाद में इसके द्वारा ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि चांद के सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब इसमें चौथी कैटेगरी वाले जो मिशन होते हैं वो लैंडर मिशन होते हैं। नाम से ही पता चलता है कि इस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्टली मून पर लैंड करवाया जाता है। अब इस तरह के मून मिशन में प्रॉब्लम बेसिकली ये होती है कि अगर एक बार लैंडर मून की सरफेस पर लैंड कर जाता है तो वो बाद में उस जगह से हिल नहीं सकता, क्योंकि लैंडर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एक बार अगर किसी जगह पर लैंड कर जाए तो वो दोबारा उस जगह से हिले ना। और इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि ये चांद की स्टडी सिर्फ एक सर्टन रेंज तक ही कर पाता है। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज के समय ज्यादातर कंट्रीज लैंडर एंड रोवर मिशन करवाती है। इसमें बेसिकली स्पेसक्राफ्ट के साथ एक रोवर को भेजा जाता है। अब ये जो रोवर होता है उसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है तो उसके बाद वो अपने व्हील्स की मदद से चलकर सॉइल की अच्छे से स्टडी कर सके और एक मीनिंगफुल रिपोर्ट बता सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर चंद्रयान 2, क्योंकि चंद्रयान 2 एक हमारा लैंडर एंड रोवर मिशन था। इस मिशन के दौरान जो लैंडर का रोवर था वो था प्रज्ञान। हालांकि इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशन चंद्रयान 2 कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्रैश कर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिशन चंद्रयान 2 के फेलियर को लेकर बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाए जा चुके, लेकिन फिलहाल आप फेलियर की अंडरस्टैंडिंग के लिए चंद्रयान 2 के फेलियर को टेक्निकल ग्लिचेस समझ सकते हो। अब अगर मिशन चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो उसे बेसिकली मिशन चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है और इस बार मिशन चंद्रयान 3 को पिछली बार से ज्यादा पावरफुल मॉडिफाई और अपग्रेड बनाया गया है। जैसे इस बार चंद्रयान 3 के फ्यूल सोर्स को एक्स्ट्रा कर दिया गया है, साथ ही इसके लैंडिंग एरिया को भी पिछली बार से ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इम्पोर्टेंटली इस बार मिशन चंद्रयान
M3 के सॉफ्टवेयर को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है ताकि फेलियर की कोई गुंजाइश ना हो। अब दोस्तों अगर मैं हमारे क्वेश्चन की बात करूं कि आखिर चंद्रयान 3 मून पर कौन कौन सी नई चीजों को डिस्कवर करने वाला है। दरअसल चंद्रयान 3 को मेनली मून पर इसीलिए भेजा गया है ताकि वो मून के साउथ पोल को डिस्कवर कर सके। अब चांद के इस वाले हिस्से को द डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर पानी मिलने की संभावना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर साइड। और साथ ही चंद्रयान 3 के जरिए ये भी पता लगाया जाएगा कि मून के सरफेस पर कौन कौन से केमिकल पार्टिकल्स मौजूद है, यानी कि उनकी भी स्टडी की जाएगी। और ये सब हमें आने वाले 14 से 15 दिनों के अंदर ही पता चलने वाला है क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 14 से 15 दिनों के ड्यूरेशन तक ही रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर हमारे दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए जो कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर क्यों फेल हो गया रशिया का लूना 25। दरअसल इसके ऊपर रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ यूरी बोरिसो का कहना है कि लूना 25 के इंजन प्रॉपर तरीके से समय रहते शटडाउन नहीं कर पाए जिसकी वजह से लूना 25 मून की सरफेस से जाकर क्रैश कर गया। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से रशिया का लूना 25 मून मिशन में यहाँ पर फेल हो गया। खैर दोस्तों एज अ इंडियन टुडे वी शुड फील प्राउड ऑन अवर कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेस ऑफ मिशन चंद्रयान 3। वैसे अगर आप भी हमारे साथ मिशन चंद्रयान 3 के सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।